प्रॉब्लम आज चर्चिस में एक ये है कि नौजवान जो हैं, जिनके पास जज्बा है, वो जब कुछ सीख जाते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनके दिलों में अपने बुजुर्ग रूहानी कायदीन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। और इस रवैये की वजह से जो बुजुर्ग लीडर्स हैं वो नौजवानों पर एतमाद करने से हिचकिचाते हैं। सो एक तरफ से एतमाद की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, दूसरी तरफ से रिस्पेक्ट की, एहतराम की कमी है। लेकिन जब दोनों तरफ से एतमाद और एहतराम इकट्ठे हो जाएं, तो फिर जज्बे और तजर्बे का मिलाप होता है। नौजवानों में जज्बा है लेकिन बुजुर्ग लीडरों के पास तजर्बा है। अगर आप सिर्फ जज्बे से लीड करेंगे तो आपकी क्यादत में हिकमत और दानाई की कमी होगी, और अगर आप सिर्फ तजर्बे से लीड करेंगे तो उसमें ठंडापन होगा। हमें तजर्बे और जज्बे दोनों को साथ लेकर चलना है। बुजुर्ग लीडरों और नौजवान उभरते हुए लीडरों को साथ मिलकर चलना है, ताकि जब तजर्बा और जज्बा इकट्ठा हो जाए तो उससे खुदावंद यीशु मसीह का काम, उसकी खिदमत मजबूत हो, और ईमानदार जो है रूहानी तौर पर तरक्की करें, गुनाहगार नजात पाए और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले।